जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिम्मत एक्सप्लोरर में। दोस्तों 2023 की मणिमहेश कैलाश यात्रा इस बार 7 सितंबर 2023 से शुरू होकर 23 सितंबर राधाष्टमी तक चलेगी। इस वीडियो में मैं आपको मणिमहेश कैलाश यात्रा की पूरी जानकारी दूंगा और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अगर आप इस वीडियो में नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों हम इस यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली मानकर चल रहे हैं, तो आपको दिल्ली ISBT से डायरेक्ट बस चंबा के लिए मिल जाएगी। दिल्ली से चंबा का डिस्टेंस 600 किलोमीटर के करीब है, जिसमें आपको 11 से 12 घंटे का टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेन की। नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा चंबा के, वो पठानकोट पड़ेगा। चंबा से जो पठानकोट का डिस्टेंस 115 किलोमीटर के करीब होगा। पठानकोट से चंबा के लिए आपको HRTC और प्राइवेट बस सर्विस पठानकोट बस स्टैंड से आसानी से मिल जाएगी। पठानकोट से चंबा का डिस्टेंस 115 किलोमीटर के करीब है, जिसमें आपको 3.5 से 4 घंटे का जो टाइम है वो आराम से लग जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो लोग बाय एयर आना चाहते हैं, वो लोग दिल्ली से गग्गल की फ़्लाइट लेकर गग्गल तक आ सकते हैं। गग्गल जो दोस्तों पड़ता है वो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हिमाचल के, और धर्मशाला के नज़दीक है ये गग्गल। तो गग्गल से चंबा का जो डिस्टेंस रहेगा दोस्तों वो तकरीबन 115 किलोमीटर के करीब रहेगा। यहाँ से आप बस या टैक्सी से चंबा आ सकते हैं। टैक्सी का किराया तकरीबन 3 से 3,500 रुपये के आसपास हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी टैक्सी हायर करते हैं। अब आपको चंबा से अपनी अगली यात्रा शुरू करनी है जो कि भरमौर तक की होगी। तो चंबा से भरमौर का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर के करीब है, जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम भी लग सकता है। चंबा से भरमौर का जो रास्ता है थोड़ा सा नैरो है दोस्तों, इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी से या बाइक से आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि रोड पर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और दूसरी तरफ रोड के नीचे की तरफ जो है गहरी खाई, नदी बिल्कुल नीचे चलती है। तो ध्यान से थोड़ा ड्राइव करें, केयरफुली ड्राइव करें। चंबा से भरमौर का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, आप नज़ारों को मज़ा लेते हुए कब शिव की नगरी भरमौर पहुँच जाते हैं दोस्तों, इस चीज़ का पता ही नहीं चलता। हम लोग आ चुके हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी भरमौर में। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं मणिमहेश कैलाश के दर्शन करने के लिए और आपको भी हम अपने साथ लेकर चलेंगे और दर्शन करवाएंगे मणिमहेश कैलाश के। भरमौर पहुंचकर आप होटल में अपना कमरा लेकर आराम करें, क्योंकि पिछले 15-16 घंटे से आपकी यात्रा काफ़ी ज़्यादा हैटिक हो चुकी है और आप थक भी चुके हैं। तो कोशिश करें कि रात को आप खाना खाकर जल्दी सो जाएं ताकि सुबह आप जल्दी उठें। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, भरमौर में आपको होटल होम स्टे जो है वो 500 रुपीज़ से लेकर 2,000 रुपीज़ तक आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत होटल्स हैं, कोई यहाँ पर रहने की कोई दिक्कत नहीं आती है, हर एक फैसिलिटी है। यहाँ पर शॉप्स आपको मिल जाएंगी, ढाबे आपको मिल जाएंगे, आपकी डेली नीड्स की जो आइटम्स की ज़रूरत है वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मणिमहेश यात्रा में जो दोस्तों मौसम है वो कभी भी करवट ले सकता है, बारिश किसी भी टाइम हो सकती है, इवन कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्नोफॉल भी हुआ है सितंबर मंथ में। तो आप अगर अपने साथ ज़रूरी आइटम्स, आप वूलन क्लोथ्स, जैकेट, इन कोट, अम्ब्रेला या स्टिक वगैरह अगर आप साथ नहीं लाए हैं तो भरमौर वो आखिरी स्टेशन है जहां सर आप परचेजिंग कर सकते हैं और यहां की मार्केट में ये चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले दिन सुबह की। तो इस दिन दोस्तों आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है, सबसे पहले आपको माता भरमाणी के दर्शन करने हैं। तो यहाँ से दोस्तों भरमौर से भरमाणी माता जाने के लिए आपको तकरीबन 8 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता है दोस्तों ये थोड़ा सा खतरनाक है, खतरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत नैरो रास्ता है और लगातार चढ़ाई है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ दें और यहाँ से आप लोकल जो टैक्सीज चलती हैं वो लेकर आप भरमाणी माता तक जाएं। तो तकरीबन
भरमाणी माता का जो ये अप डाउन का ड्राइवर्स 800 टू 1000 रुपीस चार्ज करते हैं, उसमें आप माता के दर्शन करके वापस भरमौर आ सकते हैं। तो दोस्तों, माता भरमाणी के मंदिर में पहुंचकर आपको यहां का जो नज़ारा देखने के लिए मिलता है ना, उससे आपकी अब तक की जितनी सफ़र की थकान है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और यहाँ माता भरमाणी के दर्शन करने के बाद आपको वापस भरमौर ही आना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा खूबसूरत मंदिर भरमौर में है, 84 मंदिर। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब भगवान भोलेनाथ मणि महेश कैलाश के लिए जा रहे थे तो उनके साथ जो गण थे वो यहीं से इसी स्थान पर रुक गए थे, क्योंकि इससे आगे की जो यात्रा थी वो भगवान भोलेनाथ को अकेले ही करनी थी। ये मंदिर भरमौर कस्बे के बीच में ही स्थित है दोस्तों, बीच में है, बिल्कुल मार्केट के नज़दीक है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अब बारी आती है भरमौर से आगे की यात्रा करने की। तो जो लोग पैदल घोड़े खच्चर पर यात्रा नहीं करना चाहते, उनके लिए भरमौर हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर का दोनों तरफ का जो इस साल 2023 का जो रेंट है वो तकरीबन 9000 रुपीस है। तो आपको ये टिकट्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, और भरमौर हेलीपैड पे भी आप ये टिकट्स ले सकते हैं अगर टिकट की अवेलेबिलिटी वहाँ पर रहती है। तो जिन लोगों ने पैदल यात्रा करनी है उन लोगों को भरमौर से अब हडसर की जो 14 किलोमीटर्स की यात्रा है वो या तो अगर आप अपनी गाड़ी बाइक से आए हैं तो आप गाड़ी या बाइक से कर सकते हैं, या जो लोग बसेस में आए हैं बस सर्विस भी आपको HRTC की यहां से मिल जाएगी हडसर के लिए। तो तकरीबन जो किराया है HRTC का वो लगभग 30 रुपीज़ के करीब है, और अगर आप शेयर टैक्सी में जाना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर शेयर टैक्सी का जो किराया है वो तकरीबन 50-100 रुपीज़ डिपेंड करता है, अलग अलग टैक्सी ऑपरेटर्स के ऊपर है। तो आप इतने में पहुँच जाएंगे और तकरीबन आपको 45 मिनट्स का जो टाइम है वो हडसर पहुँचने में लग जाता है। तो हडसर वो जगह है दोस्तों जहाँ से आप लोग पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं। हडसर से डल लेक यानी मणिमहेश का जो ट्रैक है वो लगभग 13 किलोमीटर्स का है। आप भोलेनाथ के जयकारों के साथ अपनी मणिमहेश कैलाश की यात्रा शुरू करते हैं। इस पूरी यात्रा में आपको खूबसूरत रास्ते, नदियाँ, झरने और बहुत सारी अद्भुत चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हडसर से 6 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुँचते हैं धनचो। यहाँ तक पहुँचने में आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। यहाँ पर खाने व रहने का पूरा इंतज़ाम है, टेंट वाले 200 रुपये से 250 रुपये पर पर्सन विद डिनर चार्ज करते हैं विद नाइट स्टे। अगर आपके पास टाइम है और आपको चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप आगे की यात्रा भी कर सकते हैं। अगर नहीं आप चलना चाहते हैं और आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप धनचो में रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। धनचो से अब वेजिटेशन भी कम हो जाती है और लगातार चढ़ाई चढ़ने के कारण सांस भी फूलने लगती है, इसलिए आराम करते हुए और पानी पीते हुए चलें। तो दोस्तों, धनचो से थोड़ा आगे चलने के बाद एक जगह आती है जिसका नाम है शिव के घराट, और यहाँ पर आप दोस्तों एक पहाड़ में कान लगाकर आप सुन सकते हैं, तो आपको उस पहाड़ से ऐसी आवाज़ आएगी जैसे उस पहाड़ के अंदर कोई घराट चल रहा है। तो कहते हैं कि ये शिव के घराट थे और इसलिए इस जगह का नाम पड़ा है शिव के घराट। तो धनचो से अगला पड़ाव आता है दोस्तों सुंदरासी। यहाँ से अगर आप नीचे का नज़ारा देखते हैं ना, ओहो, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। बादल आपको छू कर निकल रहे होते हैं। सुंदरासी में भी लंगर और टेंट मिल जाएंगे आपको। यहाँ से जो गौरीकुंड का रास्ता है वो तकरीबन 3 किलोमीटर रह जाता है, और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको गौरीकुंड के टेंट कुछ कुछ दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो थका देने वाला और खड़ी चढ़ाई वाला है। यहाँ हर 10 कदम चलने पर आपको आराम करने की ज़रूरत महसूस होगी, पर भोलेनाथ के दर्शनों की इच्छा आपको थकान महसूस होने ही नहीं देगी। दोस्तों, आप भोलेनाथ के जयकारों के साथ कब डल लेक पहुँच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, डल लेक 13,000 फीट की हाइट पर है, तो कभी कभी क्या होता है किसी किसी को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत या परेशानी हो सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आपको मेडिसिन और छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है।
तो आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पर अपना टेंट लेने के बाद खाना खाकर आप जल्दी सो जाएं, ताकि सुबह आपको जल्दी उठना है। तो यहाँ पर जो टेंट का किराया है दोस्तों, वो तकरीबन 250 से 300 रुपए के बीच में है इस साल 2023 का। तो इसमें आपको इजीली बेड मिल जाता है और रात का खाना मिल जाता है, तो आप आराम से सोइए। अगले दिन सुबह उठकर आप डल लेक की तरफ जाएं, वहाँ पर आप जाकर स्नान, जिन्होंने करना है वो स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ करके वहाँ भोलेनाथ की आप उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद दोस्तों, वो पल, वो घड़ी, वो लम्हा, वो मंज़र आने वाला है जिसके लिए आप इतनी दूर से, इतनी कठिन यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हो। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है मणि के दर्शन करने का, जिस कारण इस कैलाश का नाम मणि महेश कैलाश पड़ा है। अगर मौसम ने साथ दिया और धुंध ना हो तो सुबह 8:30 बजे से लेके 9:45 बजे के बीच आपको अद्भुत अलौकिक मणि महेश कैलाश के दर्शन हो जाएंगे। ये वो लम्हा होता है दोस्तों, जब हर किसी भक्त की आंखों में आंसू होते हैं और पूरी वादी भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठती है। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी व सही जानकारी देने की कोशिश की है, पर अगर कहीं कोई गलती रह गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और आपका कोई अगर प्रश्न है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय भोलेनाथ।